आज मैं बिसे बेड़े भात की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे तुम्हें शेव के साथ सर्व कर सकती हैं, और प्याज कोथिमीर बारीक काट को ऊपर दाल को खाए तो भी बहुत अच्छा रहता है इसका टेस्ट। चावल और तरकारी मिला को बनाती हूँ सोए। मैं यहाँ आधे कप से एक ज़र्रा ज़्यादा चावल लेको हूँ और आधा कप दाल, तुअर की दाल इसमें डालती हूँ। तो आधा कप चावल, आधा कप दाल और सब्ज़ी जो भी तुमने पसंद है वो डालो, जैसे कि गोभी, बीन्स, आलू, जो भी तुम्हारे पसंद के। दाल को एक विसल ले लो, एक से एक दो तीन विसल लिया तो भी चलता, क्या भी नहीं, अच्छा गल जाना है। गलने के बाद कुकर ठंडा होता ना, ठंडा होने में कुकर खोल को देखो। एक ज़री अमली भिगा को रख लियो और इसमें अमली का रस मिला लियो। चावल, दाल और सब्ज़ी जो तुम्हें गला को रखी ना, इसमें तुम्हें अमली का रस मिला लेना, और बहुत ज़्यादा गढ़ा रहा तो ज़रा पानी मिला लो। पहले से तुम्हें ज़्यादा पानी डाल को पकाए तो भी चलता, ज़्यादा डाले तो मिसल्स में ऊपर आ जाती है पानी, ज़्यादा लिए तो पानी, तो उसके वास्ते बाद में तुम्हें पानी ऐड कर सकती हूँ। और बघारने के वास्ते कहते घी में काजू, राया, करिया पाक, प्याज, टमाटर, ये तब पूरा दाल को अच्छा नरम कर लो। कर को इसमें बिसे बेड़े भात का MTR का बहुत अच्छा रहता। तो MTR का बिसे बेड़े भात का मसाला क्या है, एक दो टीस्पून भर को डालो। पहले मसाला डालने के बाद ज़रा वो बॉटम को लगने के चांसेस होती, तो एक ज़र्रा पानी डालना। पानी और नमक पूरा इतना डाल को सिम पर रख डालो, अच्छा पूरा पके तक। तो उसके बाद क्या है, मसाले में तुम्हें जो हमें चावल और सब्ज़ी सब दाल को गला को रहती ना, दाल सब ये पूरा उसमें इसमें ट्रांसफ़र कर डालना। अगर शतल बड़ी है कतो या कतो उसमें करो, नहीं कतो इसमें थोड़ा दाल को उसके बाद उसमें मिक्स करो। दोबारा चाहे तो तुम्हें एक ज़रा घी और काजू का बघार दे सकती हूँ ना, तो बघार दिए जाओ, नहीं तो भी चलता। पहले से मैं बघार को रहती ना, तो ऐसा पूरा अच्छा मैश कर ले तो पानी कितना होना, खट्टा कितना होना देखो कंसिस्टेंसी उसकी। लास्ट में तबरीक काट को फ्रेश को थीमीर काट को दाल डालो, तुम्हारा बिसीबेड़े बाद बन को तैयार होता। वो क्या कहते हो टॉपिंग्स, तो मैं इसके ऊपर शेव डाल सकती हूँ बारीक काटे से, प्याज आती भी बहुत अच्छा दिखता। ज़रूर एक बार बना को ट्राई करो।